आज हम और हमारे मंत्री कम से कम आपकी बुझी हुई एक पहेली तो जरूर सुलझाएंगे बिरबल जी। ऐसी बात है जहाँपना, तो बताइए, 4 जमा 4 8 होते हैं, पर वो 10 हो गए, बताइए कैसे? 4 जमा 4 8 होते हैं, लेकिन 10 हो गए। बिरबल भी कमाल है, हर पहेली में बुरी तरह फंसा देते हैं। जाने क्या खाकर बड़े हुए हैं ये। इतना तेज दिमाग तो हमने आज तक किसी का नहीं देखा। क्या करें, क्या होगा इसका जवाब? इस पहेली का जवाब देने के लिए हमारे पास कितना समय है बिरबल जी? जितनी देर में मैं ये आम खत्म करता हूँ उतना समय है आप सबके पास जहाँ पना। तो कहिए जहाँपना, क्या आपको पहेली का जवाब मिल गया? हमें तो नहीं मिला बिरबल जी, लेकिन हमें पूरा यकीन है सुखदेव और उनके साथियों को जरूर मिल गया होगा। माफ कीजिए हुजूर, हमें भी इस पहेली का जवाब नहीं मिला। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप सब सुखदेव जी? इस तरह की ज्ञान गोष्ठी में थोड़ा पढ़कर आया कीजिए। बादशाह हुजूर, हम सब तो पढ़कर आते हैं, मगर ये बीरबल जी हैं कि हर बार फंसा देते हैं। बीरबल जी, अब आप ही बताएं, 4 जमा 4 8 होने के बजाय 10 कैसे हुए? जवाब बहुत सरल है जहाँपना। 4 जमा 4 8 होने के बजाय 10 गलती से हो गए। हाँ, गलती से हो गए मतलब? कमाल है बिरबल, कमाल है। इतना सरल जवाब हम में से कोई नहीं सोच पाया। 4 जमा 4 8 होने के बजाय 10 गलती से हुए। जहाँपना की जय हो। मक्खनलाल नाम का व्यक्ति आपसे फरियाद करना चाहता है हुजूर। उससे कहो कल सुबह दरबार में मिले। मैंने उससे यही कहा था हुजूर, लेकिन उसका कहना है कि वो आपसे दरबार में नहीं मिल सकता। ठीक है, भेजो उसे। आदाब हुजूर। आदाब माखनलाल, हमसे दरबार में मिलने के बजाय तुमने यही मिलने की जिद क्यों की? जहाँपना, अगर मैं अपनी समस्या दरबार में कहता तो हंसी का पात्र बन जाता। तो क्या है तुम्हारी समस्या? जहाँपना, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, इसीलिए लोग मेरी इज्जत नहीं करते। मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ ताकि आप कुछ ऐसा कर दें जिससे लोग मुझे पंडित जी कहकर बुलाने लगे। माखनलाल, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पंडित जी कहकर बुलाएं, तो तुम्हें ज्ञान अर्जित करना होगा। शास्त्रों का अध्ययन करते ही तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। नहीं नहीं हुजूरे आला, इस उम्र में पढ़ना लिखना मेरे बस की बात नहीं है। आप तो मुझे कोई आसान सा उपाय ही बताइए। ये तो बड़ा ही मूर्ख आदमी है, अब बिना ज्ञान के पंडित कैसे बनाए इसे। बिरबल जी, क्या आपके पास माखनलाल की समस्या का कोई हल है? जहाँपना, मैं आपसे सहमत हूँ, पंडित बनने का कोई छोटा रास्ता नहीं है, इन्हें शास्त्र पढ़ने और समझने ही पड़ेंगे। लेकिन बिरबल जी, आप तो दिमागदार हैं, कोई तरकीब निकालिए। ठीक है जहाँपना, आप कहते हैं तो मैं माखनलाल की समस्या का उपाय कर देता हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पंडित जी कहलवाने के कुछ ही दिनों बाद माखनलाल फिर आएगा और तब इसे पंडित जी कहलवाने पर आपत्ति होगी। नहीं नहीं बीरबल जी, पंडित जी कहलवाना तो मेरा सपना है, सपने के पूरे हो जाने पर भला मुझे क्या आपत्ति होगी। ये सही कह रहा है बीरबल जी, सपनों के पूरा होने पर तो इंसान को खुशी होती है, आपत्ति नहीं। आप बना दीजिए इसे पंडित जी। ठीक है जहाँपना, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझसे या किसी से भी ये नहीं पूछेंगे कि
कि इनकी समस्या का समाधान हुआ कैसे, मगर आप माखनलाल से ये अवश्य पूछ सकते हैं कि लोगों ने इन्हें पंडित जी कहना शुरू किया या नहीं। हमें आपकी शर्त मंजूर है बिरबल जी। 3 दिन बाद धन्यवाद जहांपनाह, आपकी और बीरबल जी की सहायता से आज राज्य में सभी मुझे पंडित जी कहकर बुलाते हैं। ये तो खुशी की बात है माखनलाल, जाओ खुशी मनाओ। आखिर बीरबल ने ऐसा क्या जादू किया जिससे लोग माखनलाल को पंडित जी बुलाने लगे? 1 महीने बाद कहो माखनलाल पंडित जी, अब कैसे आना हुआ? माफी हुजूर, आप मुझे पंडित जी ना कहें। पंडित जी कहलाना तो मेरे लिए और भी बड़ी समस्या बन गई है। लोग मुझे पंडित जी विद्वान समझकर नहीं बल्कि मेरा मजाक उड़ाने के लिए बोलते हैं। जहांपनाह, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मक्खनलाल कहकर ही बुलाएं। मेरी सहायता कीजिए हुजूर। आप कहते हैं तो मैं माखनलाल की समस्या का उपाय कर देता हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पंडित जी कहलवाने के कुछ ही दिनों बाद माखनलाल फिर आएगा और तब इसे पंडित जी कहलवाने पर आपत्ति होगी। बिरबल जी, आपका यकीन जीत गया। माखनलाल को वाकई पंडित जी कहलवाने पर आपत्ति हो रही है, लेकिन आप ही ने इसे पंडित जी बनाया था। अब आप ही इसके नाम से पंडित हटाइए, मगर इस बार हम आपकी कोई शर्त नहीं मानने वाले हैं। इस मामले को सुलझाने के बाद आपको हमें बताना ही होगा कि आपने ये सब किया कैसे। जैसा आपका हुक्म जहांपनाह। आदाब हुजूर। तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो माखनलाल। लगता है तुम्हारी दूसरी समस्या का हल भी बीरबल जी ने अच्छे से निकाला है। जी बादशाह हुजूर, अब मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाता। मैं आपका और बीरबल जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान दिया है कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही खुश रहना चाहिए, वरना हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, जो ना घर का रहता है ना घाट का। हमें खुशी है माखनलाल कि तुम्हारी समस्या का हल भी हो गया और तुम्हें कुछ ज्ञान भी मिल गया। ये सब बीरबल जी की मेहरबानी है हुजूर, जिन्होंने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है। बीरबल जी तो ज्ञान का खजाना है माखनलाल। बताइए बीरबल जी, आपने ऐसा क्या किया था जो लोग माखनलाल को पंडित जी कहने लगे? जहांपनाह, ये बहुत ही सरल था। व्यक्ति जब किसी बात पर चिढ़ता है तो लोग उसे और अधिक चिढ़ाते हैं। यदि वो चिढ़ना बंद कर दे तो लोग उसे चिढ़ाना बंद कर देते हैं। मैंने इसी मानव स्वभाव के जरिए माखनलाल को पहले पंडित बनाया और बाद में पंडित कहलवाना भी बंद करवा दिया। खुलकर बताइए बीरबल जी। तो सुनिए जहांपनाह, मैंने अपने कुछ लोगों को बोल दिया है कि वो कल तुम्हें बाजार में पंडित जी कहकर बुलाएंगे, किंतु तुम्हें उनकी बात सुनकर प्रसन्न होने के बजाय उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ना है। ध्यान रहे, डंडा उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि नाटक करने के लिए। समझ गए? समझ गया बीरबल जी। अरे देखो देखो पंडित जी, पंडित जी। अरे हाँ, ये तो पंडित जी ही है। पंडित जी, ओ पंडित जी। पंडित जी कहा, छोड़ूंगा नहीं। पंडित जी आए, पंडित जी आए, पंडित जी आए, पंडित जी आए, पंडित जी आए। और इस तरह लोगों ने माखनलाल को पंडित कहकर बुलाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें माखनलाल को चिढ़ाने में मजा आने लगा। लेकिन जल्द ही इसे एहसास हो गया कि लोग इसका सम्मान नहीं बल्कि मजाक उड़ा रहे हैं। देखो देखो पंडित जी आए, पंडित जी, पंडित जी। पंडित जी आए, पंडित जी आए।
लेकिन बिरबल जी, जब इसे पंडित जी कहलाने पर आपत्ति हुई तो आपने इसे पंडित जी कहलाना भी बंद करवा दिया, ये कैसे किया आपने? ये भी बहुत सरल था जहापना। माखनलाल, अगर तुम अब इस पंडित जी नाम से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें ये राज्य छोड़ना होगा। कुछ महीनों में लोग इस बात को भूल चुके होंगे, उसके बाद वापस आ जाना। जिन्हें याद रहे उनके पंडित जी कहने पर तुम चिढ़ना नहीं, ऐसा करोगे तो सब पहले जैसा हो जाएगा। बाकी जो हुआ वो आपके सामने है जहांपना। वाह बिरबल जी, आपकी होशियारी का कोई जवाब नहीं। माखनलाल अब लोगों के लिए एक सीख है कि विद्वान पंडित जी कहलाने से नहीं बना करते, विद्वान कठोर परिश्रम से ही बना करते हैं। जय शाह अकबर, जिंदाबाद बीरबल जी।